हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लाइनिंग के बारे में बताऊंगी। तो लाइनिंग से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। जिन बच्चे को पेंसिल पकड़नी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चे को नहीं आती है तो उनको आपको सिखाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई क्रेयॉन कलर देना है बच्चे को, जिससे बच्चे का हाथ सेट हो जाएगा। वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बनाएगा, इस तरह से बच्चे को देना है। जब बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ जाएगी तो उसे लाइनिंग के बारे में बताएंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जिस तरह से रूप होती है। बच्चे को ये आ जाने से अल्फाबेट्स लिखने में आसानी होती है। ए के लिए दो स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन। बी के लिए स्टैंडिंग लाइन, दो कर्व। सी तो कर्व ही होता है। डी के लिए वन स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को लाइन किस तरह से सिखाना है मैं एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन, इस तरह से। तो बच्चे को पहले ट्रेस करके देना है, पहले फोर डॉट्स देंगे इस तरह से। और बच्चों के बोलूंगी, बच्चे को बोलना है इस तरह से ट्रेस करो। ठीक है, इस तरह से। तो पहले ट्रेस करना है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में बस टू डॉट्स देंगे और बच्चे को ज्वाइंट करने बोलेंगे फर्स्ट से लास्ट, इस तरह से। तो पहली बार में फोर डॉट्स देंगे और बच्चे को ट्रेस करने बोलेंगे, और नेक्स्ट पेज में टू डॉट्स देके फर्स्ट से लास्ट मिलाने को बोलेंगे। स्लिपिंग लाइन, सोया हुआ लाइन, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। फोर डॉट्स देंगे फर्स्ट स्टेप में, फोर डॉट्स देंगे इस तरह से, बच्चे को ट्रेस करने बोलेंगे। और सेकंड स्टेप में टू डॉट्स देंगे और इस तरह से ज्वाइंट करने बोलेंगे। एक बार में आपको एक ही लाइन सिखाना है बच्चे को। फर्स्ट पेज में इस तरह से देंगे और सेकंड पेज में टू डॉट्स देंगे। कर्व लाइन, मुड़ी हुई लाइन, इसमें भी इस तरह से। बच्चे को ट्रेस करने बोलेंगे, पहले इस तरह से बना के देंगे, इसमें डॉट्स इस तरह से देंगे, थोड़ी सी इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर, फिर बच्चे इस तरह से बनाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसमें भी वैसे ही करना है, पहले ट्रेस करके देंगे फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में इस तरह से डॉट्स देंगे और बच्चे बनाएंगे। नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइन, इसमें भी इसी तरह से पहले ट्रेस करके देंगे फोर डॉट्स, तो इस तरह से
बच्चा इस तरह से ट्रेस करेंगे बच्चे, और उसके बाद सेकंड में डॉट्स देंगे, फर्स्ट से लास्ट को मिलाने बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वर्कशीट दूंगी, इसमें मैं वर्कशीट नहीं दे रही हूँ। अगर आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।